बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने सोमवार को पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के विधायकों के सौदेबाजी वाले बयान पर पलटवार किया। दशहरा मिलन समारोह के दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कमलनाथ के मानसिक स्वास्थ्य पर ही सवाल उठा दिया। देखें ये खास रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल के प्रभारी और मध्य प्रदेश भाजपा के दिग्गज नेता कैलाश विजयवर्गीय ने पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ के आरोपों पर पलटवार किया है। अपने आवास पर आयोजित दशहरा मिलन समारोह के दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए विजयवर्गीय ने कमलनाथ के सौदेबाजी वाले आरोप का जवाब देते हुए इसे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का अपमान बताया। इसके साथ ही उन्होंने पीसीसी चीफ को अहंकारी और मानसिक रूप से दिवालिया कहा। मेरा मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा बोलकर वो अपने कार्यकर्ताओं का अपमान कर रहे हैं, उनसे संभल नहीं रहा है। यदि उनके कार्यकर्ता अगर बिक रहे हैं, ऐसा वो बोल रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कांग्रेस का हिसाब, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की स्थिति क्या है। वो यूँ बोलकर अपने कार्यकर्ताओं का अपमान कर, बहुत सारे कांग्रेस के लोग, चाहे विधायक नहीं है वो भी, कांग्रेस के में अपना भविष्य असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, और इसलिए बहुत सारे लोग ऐसे जो आना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर सबको विश्वास नहीं, वो संभाल नहीं पा रहे अपने विधायकों, तो अपने दूसरों को आरोप लगाना तो ठीक है। देखिए कमलनाथ जी इस उम्र में जिस प्रकार उनकी जमीन खिसक रही है, मैं नहीं समझता कि उनका मानसिक संतुलन ठीक है अभी, क्योंकि इतना अहंकार कि महिलाओं का अपमान करने के बाद उनके नेता ने खुद ने असहमति बताई, उसके बाद उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी। तो ये अहंकार है और ये मानसिक रूप से दिवालियापन वाला बयान। तो वहीं राहुल लोधी के बीजेपी में आने पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस के भीतर जितने भी नौजवान हैं, वे अपना भविष्य असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इसके अलावा भाजपा महासचिव ने चीन को लेकर राहुल गांधी द्वारा दिए गए बयान को भारतीय सेना का अपमान बताया। मुझे लगता है कि कांग्रेस का नेतृत्व है, चाहे केंद्र का हो चाहे प्रदेश का, उसके प्रति कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को विश्वास नहीं रहा, उसके कारण ये परिस्थितियां पैदा हो रही। तो जितने भी नौजवान हैं कांग्रेस के अंदर, वो अपना भविष्य असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। जैसे राहुल गांधी जी का बिहार की सभा में दिया गया भाषण कि चीन की सेना 1000 किलोमीटर 1200 किलोमीटर अंदर घुस गई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाब दें। अब इतना गैर जिम्मेदाराना बयान है ये तो सेना का अपमान है। वो सैनिक जो अपना परिवार छोड़कर देश की सीमा पे अपने प्राणों की आहुति दे रहे हैं, उनका अपमान है। तो कांग्रेस के नेता जिस प्रकार का बयान देते हैं, देश के नेता, प्रदेश के भी नेताओं ने जिस प्रकार का महिलाओं के असम्मान के लिए बयान दिया है, तो कांग्रेस में ही आपस में क्रिटिसिज्म हो रहा है। कमलनाथ जी के बयान पर राहुल जी ने क्रिटिसिज्म किया, तो कुल मिलाकर नेतृत्व के प्रति आस्था कम हो रही, इसलिए बहुत सारे अभी भी लोग हैं जो कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी आना चाहते हैं। तो वहीं मदरसों को लेकर कैलाश विजयवर्गीय का मानना है कि उनका आधुनिकीकरण होना चाहिए, ताकि वहां पढ़ने वाले केवल मौलवी नहीं बल्कि डॉक्टर और इंजीनियर भी बने। मदरसे का भी विकास हो, जब आप शिक्षा के विकास की बात करते हैं तो मदरसे का ही विकास हो। तो प्रधानमंत्री जी ने एक बार कहा था, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी एक बार कहा था कि हम तो चाहते हैं कि एक हाथ में कुरान हो एक हाथ में कंप्यूटर हो और लोग पढ़ें। तो एक सरकार की इच्छा है कि मदरसों का आधुनिकीकरण हो, वहाँ से भी पढ़कर लोग सिर्फ मौलवी नहीं बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, देश के विकास में सहयोग प्रदान करें, और इसलिए आधुनिकीकरण के हम पक्ष में हैं। पर हाँ, कुछ मदरसों में इस प्रकार की गतिविधियाँ पिछले दिनों पाई गई, इसलिए शायद मंत्री जी ने बयान दिया होगा। तो वहीं कमलनाथ के आइटम वाले बयान पर उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार से शब्दों की दरिद्रता दिखाई है, उससे प्रदेश की राजनीतिक प्रतिष्ठा खराब हुई है। ये दिखाता है कि कमलनाथ मानसिक रूप से दरिद्र है। मध्य प्रदेश में तो कभी भी शब्दों की दरिद्रता नहीं रही, और मैं इस बात में सौभाग्यशाली हूँ कि मैंने अर्जुन सिंह जी को देखा, मोतीलाल वोरा जी को देखा, राजेंद्र प्रसाद शुक्ला जी के साथ काम करने का सौभाग्य मिला, हाउस में साथ में थे हम लोग। जब हम भाषण दे के बाहर निकले तो कमलनाथ, अर्जुन सिंह जी ने मुझे बुलाया,
बोले इंदौर से हो तुम, मैंने कहा बहुत अच्छा भाषण दिया, ऐसे अध्ययन करके बढ़ते रहो आगे। ये पहले परंपरा थी, अर्जुन सिंह जी ने मुझे बुला के बोला था। तो हम विपक्ष का कोई अच्छी बात है तो उसकी भी प्रशंसा करना है। दुर्भाग्य से कमलनाथ जी के टेन्योर के बाद से ये परंपरा ख़त्म हो गई। बाकी जिस प्रकार से उन्होंने शब्दों की दरिद्रता दिखाई है उससे प्रदेश की राजनीतिक प्रतिष्ठा खराब हुई। मेरा ऐसा मानना है कि शब्दों की दरिद्रता से बचना चाहिए। बहुत शब्द, हमारा हिंदी का शब्दकोश इतना रिच है, इतने अच्छे शब्द हैं, आप अच्छे शब्द का प्रयोग करो ना, अच्छे शब्द के प्रयोग से भी विपक्ष की आप बुराई कर सकते हो, क्रिटिसाइज कर सकते हो, तो शब्दों की दरिद्रता क्यों लाते हैं। तो इसलिए जब मानसिक रूप से कमलनाथ जी के पास बहुत सारी संपत्ति करोड़ों रुपया है पर मानसिक रूप से दरिद्र है, जब मानसिक रूप से दरिद्र होता है व्यक्ति तो फिर शब्दों की दरिद्रता सामने आती है। कुल मिलाकर उपचुनाव के बीच कांग्रेस का एक और विकेट गिरने के बाद सूबे की सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस जहां इसे बिकाऊ और खरीद फरोख्त की राजनीति करार दे रही है तो वहीं बीजेपी इसे कमलनाथ के असक्षम नेतृत्व का परिणाम बता रही है। इंदौर से एमपी न्यूज के लिए धर्मेंद्र यादव की रिपोर्ट।